हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम गाइड। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, आईपीएस क्लर्क 7 2017 का नोटिफिकेशन आ गया है और आईपीएस क्लर्क 7 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 12th ऑफ सितंबर से। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या होगी, ऑनलाइन फी पेमेंट करने की डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आईपीएस क्लर्क 7 का, साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी आईपीएस क्लर्क 7 की और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी है किस किस स्टेट की, ये सब हम आपको आज डिटेल्स फुल इन्फॉर्मेशन साथ में एग्जाम पैटर्न की आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे बैंक एग्जाम गाइड चैनल को और बेल आइकन पे जाके नोटिफाई भी कर लीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आज आईपीएस क्लर्क 2017 की नोटिफिकेशन की। इसमें इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है आईपीएस क्लर्क की वो है 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है। फ्रेंड्स, इस डेट को अच्छे से ध्यान रखिएगा और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। और जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की जो डेट है वो भी सेम एज दैट, यही है 12th सितंबर से लेके 3rd ऑफ अक्टूबर तक की। सो फ्रेंड्स, अच्छे से ये डेट को माइंड में सेट कर लीजिए और जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए। और फ्रेंड्स, 12 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। आप अगर उससे पहले ही अगर रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करेंगे लिंक पे, तो आप बोलेंगे कि लिंक नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, 12 तारीख को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, हाउ टू पे फीस ऑनलाइन, तो हमारा वीडियो है जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। हमने आपको सारी डिटेल में बता दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, प्री एग्जाम ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग होती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग उसके जो कॉल लेटर होंगे वो नवम्बर में आएंगे। और जो आपका कॉल लेटर आएगा ऑनलाइन प्रीलिम्स का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का, वो भी नवम्बर में आएगा। उसकी डेट अभी आई नहीं है, हम पब्लिश कर देंगे। और जो हम आपको बता दें इम्पॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स का वो होगा आपका 2nd ऑफ दिसंबर, 3rd ऑफ दिसंबर, 9th ऑफ दिसंबर एंड 10th ऑफ दिसंबर। ये 4 अलग अलग डेट हैं, किसी का भी, किसी भी कैंडिडेट का किसी भी डेट को इन चारों में से आ सकता है। और जो रिजल्ट की जो डेट होगी प्रीलिम्स की वो होगी दिसंबर में, सेम एग्जाम के कुछ दिनों बाद दिसंबर में। और डाउनलोड कर पाएंगे आप कॉल लेटर अपने मेन एग्जाम का जनवरी 2018 में। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का जो होगा आपका, उसकी जो डेट है वो है 21 जनवरी। तो 21 जनवरी से 7 से 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा फ्रेंड्स। और जो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा इस पोस्ट का वो होगा अप्रैल 2018 में। सो ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट, 12 सितंबर से 3 अक्टूबर जो डेट है याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला है इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। ये सारे जो बैंक हैं ये पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं इस बार आईपीएस क्लर्क के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एज होनी चाहिए, उस सब के बारे में। सो देखते रहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा आपका वो कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। आपको जो एलिजिबिलिटी होगी, जो नेशनलिटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो मैं बात करूँगा एज की। एज जो होनी चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2017 से ली गई है। इसमें मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 22-28 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा मिनिमम एज 20 ईयर्स आपके आप होने चाहिए और 28 ईयर्स मैक्सिमम डेट है। अब बात करते हैं कौन से डेट ऑफ बर्थ से कौन से डेट ऑफ बर्थ तक के बीच तक के एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd of September 1989 एंड नॉट लेटर देन 1 of September 1997। सो फ्रेंड्स,
अगर आपकी डेट इन दोनों डेट्स के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। 2 सितंबर, 2nd of September 1989 से लेकर 1 of September 1997 के बीच आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ एज रिलेक्शंस भी हैं, रिलेक्शंस जो हैं वो इस प्रकार है। एससी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स का है और पीडब्ल्यूडी पर्संस के लिए 10 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, ये है एक्स सर्विसमैन का। अब बात करते हैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी एसटी वालों के लिए, और जो सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट जो है होगी एक्स सर्विसमैन वालों की 50 ईयर्स। विडोज डिवोर्स वुमेन की जो एज होगी रिलेक्शंस वो है 9 ईयर्स का। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके अपना एज रिलेक्शंस। ये है आपकी एलिजिबिलिटी जो इसमें चाहिए आपको। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फ्रेंड्स, आपको चाहिए इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही में 10th होनी चाहिए आपके पास, 10th सेकेंडरी का एग्ज़ाम आपने दिया हो और सीनियर सेकेंडरी 10+2 भी आपने दिया हो। ये नहीं कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो 10th दिया है हमने और उसके बाद में डिप्लोमा कर लिया है, द कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल एनी मोर। इसके साथ में एक और जो नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन है, सभी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो सबको ध्यान देनी चाहिए। वो ये है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। फ्रेंड्स, जरूरी है, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसने या तो 10th में पढ़ी हो कंप्यूटर, कंप्यूटर 10th नहीं 10th से ऊपर 10+2 हाई स्कूल में 10+2 में उसके पास या तो कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो या कॉलेज में उसके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट हो या फिर उसके पास RSCIT का कोर्स होना चाहिए, वही कैंडिडेट IPS क्लर्क के लिए एलिजिबल है। ये फ्रेंड्स बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी की। नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस बार दी गई है आपको, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है IPS क्लर्क की वैकेंसी की वो है 7853 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अलग अलग मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। आप देखिए इसमें सबसे पहले जो आप देख सकते हैं हर एक स्टेट की आपको वैकेंसी मिल जाएगी। हमारा इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करता हूँ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की, यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज निकली हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 वैकेंसीज हैं, और अरुणाचल प्रदेश की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है सेम एज दैट। असम में जो वैकेंसी निकली है वो है 109, बिहार में जो वैकेंसीज निकली हैं 227 निकली हैं। अलग अलग बैंक की आप देख सकते हैं हमारे इस नोटिफिकेशन में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज 34 निकली हैं टोटल, और सॉरी चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं 34 और छत्तीसगढ़ की हैं 118। इसी तरह से फ्रेंड्स दिल्ली की जो वैकेंसीज निकली हैं वो है 272 और गोवा की वैकेंसीज 41, गुजरात की जो वैकेंसीज निकली हैं 487 निकली हैं, हरियाणा की 175, हिमाचल प्रदेश की 73 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जम्मू एंड कश्मीर की 34, झारखंड की जो वैकेंसीज निकली है 127, कर्नाटका की वैकेंसीज 554, केरला की वैकेंसीज निकली हैं टोटल 217। इसी तरह से फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की वैकेंसीज निकली है 290, महाराष्ट्र की वैकेंसीज जो निकली है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 775 है जो कि बहुत अच्छी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मेघालय की वैकेंसीज 17 ही है, मिजोरम की 3 वैकेंसीज ओनली, नागालैंड की वैकेंसीज 12, उड़ीसा की वैकेंसीज जो निकली हैं वो है 196, पांडुचेरी की वैकेंसीज 46, पंजाब की जो वैकेंसीज निकली हैं 401, राजस्थान की वैकेंसीज फ्रेंड्स 344 निकली हैं, और
मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज निकली हैं आईपीएस क्लर्क 7 के लिए इस बार तमिलनाडु में निकली हैं, विच इज 1277, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस बार है। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्टेट चूज करके उस अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कीजिए, और जहाँ की आपका स्टेट है वहीं की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसका जो इस बार जो एग्ज़ाम फेज है, एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन में आपको बता दिया गया है जिस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिएगा और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। जो इसके जो प्रीलिम्स होंगे फ्रेंड्स, उसमें आपके 3 नेम ऑफ टेस्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और इसके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। और न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे 35 क्वेश्चन नंबर होंगे, और इससे आपको 35 क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी भी आपके 35 क्वेश्चंस की होगी और 35 मार्क्स इसके मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे, और एक घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 आवर आपके पास होगा प्रीलिम्स के लिए। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके इंटरव्यू नहीं है आईपीएस क्लर्क में, क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम है और मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम में जो आपके आएंगे वो होंगे आपके जनरल, जो टेस्ट होंगे वो होंगे जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस। फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस भी है और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 मिलेंगे आपको, और मैक्सिमम मार्क्स इसके आपको 50 मिलेंगे। 35 मिनट्स इसके लिए दिए जाएंगे आपको। टाइम अलॉटेड जो होगा इसमें सेपरेट होगा हर एक सेक्शन के लिए। ये चेंज हो गया है आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, इसको ध्यान रखिएगा। सेपरेट आपको टाइम मिलेगा। जर्नल इंग्लिश का जो है नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे, और इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, और ये इसके लिए आपको दिए जाएंगे 45 मिनट्स। इसके बाद में क्वांट एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा मेंस में 4th नंबर पे, और 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स इससे मिलेंगे, इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स आपको इनसे मिलेंगे, और 160 मिनट्स का आपका टोटल ये होगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, जो कि है www.ivpsrecruitment.in, एंड यूज अवर कमेंट सेक्शन बिलो फॉर एनी क्यूरी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए हमें, हमसे जुड़े रहिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज, जो कि है IVPS गाइड, और हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है, और जुड़े रहिए बैंक एग्जाम गाइड से। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।